रसोड़े से पहले, विनोद से पहले, बाबा जी के ढाबे से पहले एक चीज वायरल हुई थी, 3 kg नेचुरली डाउन कर चुका हूँ। व्हाट्स अप ब्यूटीफुल पीपल, की हालचाल, आई होप आप सब बढ़िया हो मेरी तरह। आज आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया चीज लेके आया हूँ। रसोड़े से पहले, विनोद से पहले, बाबा जी के ढाबे से पहले एक चीज वायरल हुई थी, जिस चीज के बारे में बहुत कम लोगों ने बात करी, साइकिलिंग। क्योंकि जब से जिम बंद हुए थे उसके बाद वर्कआउट बिल्कुल बंद हो गया था और पेट बाहर आ गए थे, बट हमने कोशिश करी और जिम शुरू करा घर पे। उसके साथ साथ हमने बढ़िया से अपना पेट कम करा और साथ में हमने शुरू करी साइकिलिंग। तो साइकिलिंग जो मैंने शुरू करी वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कौन सी साइकिल ली और उसकी डिटेल रिव्यू देता हूँ, क्योंकि इस साइकिल का रिव्यू मुझे इंटरनेट पे कहीं पे भी नहीं मिला। क्योंकि जब मेरे को ये मिली थी तो उससे पहले मैं एक बार चेक कर रहा था कि किस तरह की है ये साइकिल, उसके लिए मैं रिव्यू चेक कर रहा था, तो रिव्यू मुझे कुछ नहीं मिला। तो फटाफट से एक काम करता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ कि कौन सी है साइकिल, है ये वाली। डिटेल के बारे में आगे बात करते हैं हम। जो साइकिल का मॉडल है वो है क्रॉस की ग्लोबेट इल्यूट 27.5 कहीं नहीं लिखा हुआ, इसलिए वो मैं दिखा नहीं सकता। तो इसके बारे में डिटेल आपको मैं बताता हूँ कि 21 गियर का है, सेट है, शिमानो टॉर्नी लगा हुआ है, 21 गियर, 7 पीछे हैं और 3 आगे हैं। आगे जो उनसे हैं वो भी शिमानो टॉर्नी है TZ, जो कि साइकिलिंग के अंदर सबसे बढ़िया गियर सेट इन्हीं का आता है। उसके बाद टायर की बात करें तो वांडा के टायर हैं, डबल रिम के अंदर हैं, तो ये थोड़े स्ट्रांग होते हैं। जैसे कि ये MTB है, MTB के लिए थोड़ा सा स्ट्रांग चाहिए होता है तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। उससे क्या होता है कि आपकी जो साइकिल जो है वो जल्दी ख़राब नहीं होती है। और जो मैं 27.5 के बारे में बात कर रहा था वो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आपको दिख रहा है ये लिखा 27.5 इंच है टायर का साइज़, और ड्यूल डिस्क है, आगे और पीछे दोनों डिस्क लगी हुई हैं, क्रॉस के हैं, इसके क्रॉस बाइक्स के ही इसके शॉकर लगे हुए हैं। उसके बाद बात करूं तो यहाँ पे ये लगा हुआ है, इसको क्या कहते हैं ये मुझे नहीं पता, बट हाँ अगर आपकी डिस्क ख़राब हो जाती है तो उसके बदले में आप यहाँ पे ये लगा सकते हो, ब्रेक लगा सकते हो, आगे और पीछे दोनों में है। तो एक बार छोटी सी राइड लेते हैं, उसके बाद मैं आपको थोड़ा और इसके बारे में बताता हूँ कि क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। इसके गियर्स की बात करूँ और हैंडलिंग की बात करूँ तो बहुत स्मूथ है। जो एक चीज़ इसमें मुझे अच्छी नहीं लगी वो ये कि इसका जो हैंडल है वो थोड़ा छोटा है। नेको का इसमें सेंटर लगा हुआ है जो कि बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है, 27.5 इंच का टायर है। इसके आगे की बात करें तो ये इसके गियर सेट है, इसमें ये अप के लिए है, ये डाउन के लिए है, ये बैक के गियर हैं जो कि 7 का कॉम्बिनेशन है, यहाँ देख सकते हो आप, और साथ ही इसी के इस तरफ जो है 3 का कॉम्बिनेशन है, तो 7x3 21 गियर का कॉम्बिनेशन चलता है इसमें। बेसिकली मैं पहले इतनी साइकिलिंग करी नहीं है तो इसलिए मुझे ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं था। जब मेरे को ये साइकिल मिली थी उस वक्त मैंने इसका रिव्यू नहीं किया था, क्योंकि मैं चाहता था कि पहले थोड़ा उसके बारे में मैं भी जान लूँ, तब मैं उसका रिव्यू करूँ ताकि मैं कुछ बता सकूँ। अगर मैं कुछ बताऊँगा ही नहीं तो उसका रिव्यू करने का कोई मतलब नहीं बनता। बाकी अगर हैंडल थोड़ा सा और बड़ा होता तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया हैंडलिंग होती। बाकी ऐसा नहीं है कि कम नहीं, अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा है। और इससे अच्छी एक और गुड न्यूज़ देता हूँ, जब से मैंने साइकिलिंग शुरू करी आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मंथ हो गया होगा, तब से मैंने 3 kg नेचुरली डाउन कर चुका हूँ। अभी मैंने खाना खाया हुआ है, फिर भी मैंने आज सुबह चेक किया था तो 3 kg तब से मेरा डाउन आ चुका है पिछले 2 महीने में। तो यार ये बहुत अच्छी बात है, अगर नेचुरली कम वर्कआउट करके, ज़्यादा वर्कआउट नहीं करता मैं, कम वर्कआउट करके भी अगर इतना कम आ रहा है
तो बहुत अच्छी बात है। सो इसकी मेंटेनेंस की बात करूँ तो ज़्यादा मेंटेनेंस इसकी नहीं है। वैसे आप अगर आपको गियर जो है वो साफ़ करवाने होते हैं तो आप बाहर से करवाओगे, इससे अच्छा 50 रुपीज़ की एक छोटी सी बॉटल मिलती है WD-40 नाम से, उसको यूज़ करो, उससे साफ़ करो, बहुत अच्छे से साफ़ होगी। साफ़ करने के बाद उसी से ल्यूब भी कर सकते हैं आप। तो आई एम सॉरी, हो सकता है आज आपको डिस्टर्बेंस थोड़ी ज़्यादा आ रही होगी क्योंकि मैं माइक नहीं लेके आया, इसको जस्ट मैंने हाथ पे पकड़ के ही व्लॉग कर रहा हूँ। तो बड़ा अच्छा सनसेट का मौसम हो रहा है, बहुत अच्छा। एक चीज़ आप लोगों को मैं बताना भूल गया, आपको मैं रुक के दिखाता हूँ। सो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इसमें फ्रंट लीवर लगे हुए हैं, अगर आपको आउट ऑफ दिल्ली कहीं जाना है तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली ये लीवर ओपन करना है, ये टायर बाहर निकल जाएगा और उसके बाद लगा दो। गाड़ी में रखने के लिए बहुत आसान होता है, अभी बहुत कम्फर्टेबल है। ये आप देख सकते हो एक साइकिल ट्रैक है बहुत अच्छा, जहाँ पर हम आराम से साइकिलिंग कर सकते हैं और मैं कर रहा हूँ। तो अभी तक मैं 7-8 किलोमीटर चला चुका हूँ और देखते हैं अभी कितनी चलनी है। अभी जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ से साइकिल थोड़ी सी नट बोल्ट टाइप करवाएंगे। ट्रैवल करने के लिए बाइक ये सब अवॉइड करके साइकिलिंग शुरू करो, इससे आप भी फिट रहोगे और पॉल्यूशन भी कम रहेगा, सारी चीज़ें परफेक्ट रहेगी। तो फटाफट से चलते हैं यार, ये देख लो, फटाफट से चलते हैं। अब एक जगह और काम है छोटा सा। थोड़ी सी रोशनी मिल गई वीडियो को एंड करने के लिए, फटाफट से इस वीडियो को यही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और ऑप्टेन कर लो इसको फटाफट से। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, दिस इज़ गुरप्रीत साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, बाय। हाथ नहीं लगा सकता, बाय।